हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हिटलर से नेपोलियन चंगेज खां से भी ज़्यादा आज एक शासन है, खौफ है, डर है, लोकतंत्र कंप्लीट रूप से डिवीज़न हो चुका है, संविधान को समाप्त करने की पूरी तैयारी है। तो फिर सुरक्षा के आधार पर आप जिन जिन लोगों को बंगला कार के लिए, जरूरी नहीं है आप किसी सदन के सदस्य हो, बस जरूरी है कि बीजेपी के चमचागड़ी कोई कर रहा है या नहीं। लालकृष्ण आडवाणी जी 2019 के बाद किसी सदन के सदस्य नहीं है आज तक, बड़ी कोठी। भाजपा डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी 2019 के बाद किसी सदन के सदस्य नहीं है आज तक, सबसे बड़ी कोठी। मायावती 2017 के बाद किसी सदन के सदस्य नहीं है, तीन तीन बड़ी कोठी। कांग्रेस पर से निकलकर कांग्रेस पर हमला करने वाला गुलाम नबी आज़ाद किसी सदन के सदस्य नहीं है, बीजेपी के चाटुकारी, नरेंद्र मोदी के चाटुकारी करने लगे, उनको बड़ी कोठी। वाइस चौधरी, बादल गुरु, सबको बड़ी बड़ी कोठी मिली हुई है, ये बताएंगे ना क्यों, किस तरह की साजिश है, मैं उस पर बात करना चाह रहा हूं। कर्नाटक का चुनाव जब ये हारने की स्थिति में आई तो अब ईडी, सीबीआई, आईएम, आईटी सबको भेज दिया, और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नॉमिनेशन को कैंसिल करने की पूरी साजिश चल रही है। चुनाव आयोग, अदानी, अंबानी, ईडी, सीबीआई, जब तक सतपाल मलिक जी बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की बात पेट में पचा लिए थे, सवाल क्या था? सवाल था 2014 में पुलवामा की घटना, 19 घटी थी, 15 तारीख को मैंने ट्वीट किया था कि ये घटना पहली दृष्टि में पप्पू यादव को नहीं लगता है कि हुई है, इसको करवाया गया चुनाव को लेकर के, 40 देश के जवानों का की शहादत। मेरा सबसे पहला सवाल उस वक्त यही था कि आज़ादी के बाद कभी भी हमारे आर्मी को बगैर हेलीकॉप्टर के नहीं ले जाया गया, फिर बाय रोड क्यों? दूसरा सवाल था, जब बाय रोड ले जाया गया तो सेकेंड रोड को बंद करना चाहिए, फिर उसको खुला क्यों? तीसरा सवाल था कि काफिला में जो ओपन जिस गाड़ी का बुलेट प्रूफ नहीं था और जिसमें अलग अलग स्टेट के चार चार पांच पांच जवान को बैठा दिए गए थे, जो कभी आज तक नहीं हुआ, हर गाड़ी में कहीं ना कहीं किसी न किसी सैनिक एक ही बटालियन के बैठते थे, अलग अलग बटालियन, और उस आरडीएक्स जिसमें 350 किलो आरडीएक्स था, 3 क्विंटल, उस आरडीएक्स वाली गाड़ी को ये कैसे पता थी कि अमुक गाड़ी बिना बुलेट प्रूफ की है और उसमें अमुक अमुक स्टेट के लोग बैठे हैं, ताकि लाश एक जेल एक स्टेट में ना जाए, जाए तो भारत के लगभग 17-18 स्टेट में जाए, ताकि अमूमन दंगा कराने या नफरत पैदा करने में सहूलियत हो सके, और वही हुआ। 350 क्विंटल, 300 किलो, 3 क्विंटल, 300 किलो आरडीएक्स लोकल स्तर पर कहाँ से आया, कौन लाया, इसकी जांच 19, 20, 21, 22, 23 अभी तक क्यों नहीं हुई? पाकिस्तान से आया तब भी जांच होनी चाहिए, हिंदुस्तान से आया तब भी जांच होनी चाहिए,
वो आदमी कौन था तब भी जांच होनी चाहिए, और जो बात हम तब बोले थे उसी बात को सतपाल जी ने कहा कि जब मैंने पीएम से फ़ोन करके कहा हेलीकॉप्टर है मेरे पास दे दूं, तो बोला कि तुम चुप हो जाओ। फिर सतपाल मलिक ने जब दूसरे रोड को बंद करने की बात आई तो कहा तुम चुप हो जाओ। अब जब ये सवाल अदानी को सस्ते दाम पर सब कुछ देने का सवाल मलिक ने उठाया तो उसको आप सीबीआई जांच के लिए जाओ, सर से पानी उठ चुकी हो। जब इतनी बड़ी घटना बहस का मुद्दा हो रहा था तो एक पुरानी गहरी साजिश के तहत अतीक अहमद की हत्या करवा दी। मेरा बहुत क्लियर है इस मामले में अतीक अहमद क्रिमिनल थे हैं या वो न्यायालय अपना देखता, न्यायालय फांसी देती, न्यायालय आजीवन कारावास देता। मैं मीडिया बंधु और मीडिया ट्रायल वाले से पूछना चाहूँगा, क्या हिंदुस्तान में किसी भी न्यायालय का कस्टडियन रहने के बाद जो जेल में हो वह न्यायालय का सम्मान किसको रखनी चाहिए, उस सरकार को? यह हत्या अतीक अहमद की है या न्यायालय के कानून की? कानून का अपमान हुआ कि अतीक का? न्यायालय का को आपने कोठी कना पर रख दिया। दूसरी चीज इनकाउंटर किसका होता है? जब आपकी सरकार है तो 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके फांसी दिला दीजिए, आजीवन कारावास दिला दीजिए। इनकाउंटर क्रिमिनल का होता है, वो क्रिमिनल जो क्रिमिनल सिस्टम के लिए चैलेंज बन जाता है और वो फिर सिस्टम पर बम फेंकता है, गोली चलाता है, तब इनकाउंटर का कोई रास्ता बचता। अंतिम रास्ता पैर के नीचे गोली मारना, ऊपर नहीं, कमर के नीचे। चौथी चीज इनकाउंटर पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत कैसे होगी और किसी जाति विशेष धर्म विशेष को टारगेट करके लिए कैसे होगा? जोगी जी अभी तक एक भी क्रिमिनल अपने स्वजातियों को इनकाउंटर नहीं किया,